जो कश्मीर की स्थिति है, जो कश्मीर की परंपरा है, ये इन्हीं बुजुर्गों के दिनों से कामयाब और कामरान है। ये परंपरा कभी बैठेगी नहीं, न कभी बैठने वाली है। इस परंपरा से कश्मीर का बोलबाला है, इस परंपरा से कश्मीर का इज्जत है, मुकाम है, विकार है। उसी प्रकार से जो आज यहाँ इतने सारे लोग, इतने सारे जायरीन आए हैं, आज इंशाअल्लाह ताला मस्तान इन सब जायरीन का जो भी कोई मुद्दा और मकसद हो वो हल हो जाएगा इसकी वसादत से, इसकी मेहरबानी से। बाकी जो शेख आलम रहमतुल्लाह आला जिसने कश्मीरियत सिखाई है, जिसने कश्मीरियत को एक बोस्ट दिया है, जिसने कश्मीरियत को बरकरार रखा है, जहाँ तक ताल्लुक है उर्स का, तो ऐसे हर प्रोग्राम के पीछे एक मकसद होता है। आप जानते हैं कि ये जो दरबारी शेखुल आलम है, तो शेखुल आलम जो है ये सरखैल अवलिया है, यानी हमारे कश्मीर में जितने भी अवलिया अल्लाह आए हुए हैं तो उनके ये पेशवा है। तो इस दरबार की असली हकीकत ये है कि शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह इनको न सिर्फ मुसलमान मानते हैं, बल्कि जितना अकीदत मुसलमानों को इस दरबार से है, बराबर उसी तरह का अकीदत हिंदू धर्म के लोगों को और बाकी धर्म के लोगों को। यही वजह है कि ये दरबार जो है ये तमाम तर मजाहिब के लोगों का एक मरकज़ है।